नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो व्हाट्सएप के अगर जो कोई मैसेज करता है फिर उसे डिलीट कर देता है और वो आप लोग जिसके सेंडर है जो सेंडर है वो तो डिलीट कर दिया, जो रिसीवर है वो देख नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा टिप्स लेके आया हूँ, ऐसा ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे आप वो भी देख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, चलिए मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ कि इसका मैं लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी एक सेंडर है अपने व्हाट्सएप मोबाइल से किसी दूसरे को मोबाइल करता है, यानी जो रिसीवर है उसको मैसेज करता है और उसके बाद अगर गलती से कोई मैसेज चला जाता था तो वो डिलीट कर देता है या इंटेंशन से कुछ मैसेज कर दिया और अगर वो जब तक पढ़ा नहीं तब तक वो डिलीट कर दिया तो सब ठीक हो जाता। बट एक ऐसा एप्लीकेशन है टिप्स का जो मैंने बोला वो एक एप्लीकेशन का माध्यम से ये टिप्स है और वो एप्लीकेशन का नाम मैं नीचे दे दूंगा और मैं लाइव डेमो भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इंजॉय कीजिए वीडियो। दोस्तों, ये जो मैं टिप्स दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन का इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही ये टिप्स मेरा काम करेगा। और नोट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है नोटी सेव सेव नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी सारा काम ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर आप जब से आप इसे आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन को कुछ अलाउ करने का ऑप्शन मांगता है, उसको आप अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मेरा लाइव डेमो है इसके अंदर मेरा जो लिनोवो की 8 प्लस है उसके अंदर बहुत सारे मैसेज का जो नोटिफिकेशन में सेव है। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी एक मैसेज कर रहा हूँ मैं, ये मैसेज मैंने कर दिया। ठीक है, और ये देखिए दूसरे मोबाइल पर मेरा मैसेज आ चुका है। ठीक है, अब मैसेज आ चुका है, अगर मैं यहाँ से अपने जो ओरिजिनल मोबाइल से सेंड किया हूँ अगर उससे मैं डिलीट कर देता हूँ तब पर भी वहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वहाँ पर वो सेव रहता है और वहाँ से आप कोई भी डिलीट किया हुआ मैसेज यानी जो ओरिजिनल सेंडर है उसको डिलीट कर दिया मैसेज को तो यहाँ सेव रहता है और आप देख पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी मैसेज मैं करता हूँ, मैं आपको एकदम क्लियर थोड़ा सामने ला कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये मैसेज कर दिया, वहाँ मैसेज मेरा चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन मार दिया मैंने, फिर देखिएगा आप वहाँ पर मेरे पास वहाँ पर मैसेज आ जा रहा है कि डिलीट हो गया है। ठीक है, बट लेकिन वहाँ पर नोटिफिकेशन में ये अभी भी है। अगर सामने से जैसे लाकर मैं दिखाता हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे, तो ये नोटिफिकेशन अभी भी है। तो ये बहुत अच्छा यूजफुल ऐप है और जिसके माध्यम से आप हमेशा जो डिलीट किया हुआ मैसेज जो सेंडर डिलीट किया कर दिया रहा था उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो ऐप है उसका आपको यूज कर पाएंगे और अच्छा लगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो WhatsApp का जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो था अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।